गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद अर्थ के आधार पर। ठीक है, कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इससे पहले पाठ दो जब हमने, आपको याद होगा, पाठ दो जब हम लोगों ने पढ़ा था शब्द विचार, तो उसमें हमने शब्द भेद पढ़ा था, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो है हम शब्द भेद किसके आधार पर पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर। समझ रहे हैं आप लोग कि अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो इसमें जो है मूलतः हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यानी पर्याय का मतलब होता है बेटा, पर्याय का मतलब होता है बदले में या उसके जैसा। सिनोनिम्स आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, है ना, सेम चीज़ें जो सेम अर्थ बताएं। ठीक है, एक जैसा जिनका मीनिंग हो, एक जैसा जिनका अर्थ हो, उसको बोलेंगे हम पर्याय, है ना। और विलोम यानी जो अपोजिट हो, उल्टा हो। ठीक है ना, तो जो उल्टा अर्थ देते हों, जो विलोम अर्थ देते हों, विलोम शब्द। ठीक है, इसके अलावा अर्थ के आधार पर तो एक अर्थ ही, जिनका एक ही अर्थ होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस समय पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची का अर्थ होता है बेटा एक सार्थ बताने वाले, ठीक है, या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। पर्याय का अर्थ ही होता है बदले में आना। ठीक, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके पर्याय में अर्थात बदले में अनेक शब्द आते हैं, यानी जिनका कि एक से ज़्यादा, उनके बदले में एक से ज़्यादा शब्द आ जाए, है ना। ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो है पर्यायवाची शब्द भले एक जैसा अर्थ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शब्द के बदले दूसरे शब्द को हम उसके पर्याय शब्द को हर कहीं पर प्रयोग कर लें, है ना। पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उनका क्या है, शब्दों का प्रयोग भाव और संदर्भ के आधार पर हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ कि जो है जल, जल का पर्यायवाची शब्द पानी है, तोय है, नीर है कि नहीं। जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, पानी होता है, जल होता है, नीर होता है। ठीक है, लेकिन आपने कहीं समझे, सुना है गंगा पानी, गंगा तोय, हाँ, गंगा नीर। गंगा जल को हम गंगा जल ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो भले ही ये जो शब्द हैं ये जल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन फिर भी जो है गंगा के साथ जल ही उपयुक्त शब्द है। गंगा के साथ पानी, तोय, नीर जो है उपयुक्त शब्द नहीं है, तो हम गंगा के साथ जल का प्रयोग ही करेंगे, जबकि ये जो है समान अर्थ देने वाले हैं। जल का मतलब, नीर का मतलब भी जल हो गया, पानी का मतलब भी जल हो गया, तोय का मतलब भी जल हो गया, फिर भी गंगा के साथ हम गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हालांकि जो है ये समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, समान अर्थ देते हैं, फिर भी जो है इनके प्रयोग में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि अर्थ जो है सही लगे, हमारा शब्द जो है सही बने और हमारे वाक्य में वो सही से प्रयोग हो। ठीक, समझ गए आप। ऐसे अनेक उदाहरण जैसे अग्नि, है ना, अग्नि को आग, पावक, दहन, अनल, इतने सारे नामों से हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अग्निकुंड हम बोलते हैं, जहाँ पे जो है आग जलती है उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक अग्निकुंड है। हमने कभी सुना आग का कुंड, आग कुंड है, पावक कुंड है, दह कुंड है, अनल कुंड है, ऐसा कभी बोला? अग्निकुंड को अग्निकुंड ही बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भले ही जो है पर्यायवाची शब्द जो है समान अर्थ देते हैं, लेकिन जो है ये जो है इनका प्रयोग हमें जो है इनका, इसमें सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है, एक जैसे होते हैं, फिर भी जो है इनके प्रयोग में जो है हमें जो है थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपना वाक्य देखना चाहिए, ठीक है, कि हमारा वाक्य किस प्रकार का है और उस वाक्य के हिसाब से हम किस प्रकार का शब्द हम प्रयोग करें, ये पर्यायवाची शब्द वहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, है ना। ठीक है, तो अब जो है ये कुछ आपकी जो पुस्तक है इसमें जो है कुछ पर्यायवाची शब्द जो है दिए गए हैं। ठीक है,
तो आप लोग मेरे साथ इसको दोहराएंगे। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या है? आग, पावक, दहन, अनल। ठीक है, इन सभी का अर्थ आग ही होता है, अग्नि ही होता है। अमृत, अमृत को पीयूष, सुधा, अमीर, सोम बोल सकते हैं। ठीक है, अंक, संख्या यानी नंबर, गिनती, तादाद और गणना। ठीक है, अधर, अधर यानी होंठ। ठीक, होंठ, ओष्ठ भी हम अधर को बोलते हैं, दंतक्ष भी बोलते हैं और रदपुट भी हम किसको बोलते हैं? ओंठों को बोलते हैं। आँख, आपको हम बोलते हैं नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। ठीक है, आभूषण, आभूषण को हम बोलेंगे अलंकार, गहना, भूषण या मंडल। ठीक, आदमी, आदमी को हम नर, मानव, मनुष्य, इंसान, मनुज। इंद्र, सुरेंद्र, पुरंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, है ना, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश। ठीक है, ऐसे ही उजाला, उज्ज्वल, धवल, सफेद, शुभ्र। असुर को दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। केस, केस यानी बाल, बाल बोलेंगे, कुंदल बोलेंगे, कच्छ बोलेंगे और अलक बोलेंगे। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा अंबर, वस्त्र, चीर, पट या वसन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा। ठीक, कृष्ण, कृष्ण को माधव, केशव, गिरिधर, मुरलीधर, गोपाल, अनेकों अनेक नाम है भगवान कृष्ण के, तो हजारों नाम है ना, समझ रहे हो आप, जितने चाहे उतने। तो कारागार यानी जेल, कारावास, बंदी गृह, कारागृह। गंगा, गंगा के भी अनेकों अनेक नाम है बेटा, देव नदी, भगीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी। गौ, गाय, धेनु, गौ, सुरभि। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गौ के। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए। ठीक है, कुछ पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग जो है मेरे साथ इनको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे पर्यायवाची शब्द हम लिख रहे हैं। पहला मैंने लिखा है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अग्नि। ठीक, पहला शब्द क्या लिखा है? अग्नि। अब आप मुझे बताएंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, आग, पावक, और क्या, अनल। ठीक है, ऐसे ही हम और भी शब्द लिखेंगे और उनके हम क्या लिखेंगे? पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं जल, जल के पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, जल के पर्यायवाची जैसे पानी, नीर, तोय, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के यानी पानी के। हम लिखेंगे आँख, आँख को और क्या बोलते हैं? हाँ, नेत्र, वेरी गुड, नेत्र, लोचन, और नयन। ठीक है, ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं जो आपकी पुस्तक में हैं। ठीक है, और आपको उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो आगे मैं और शब्द लिखूंगी, उनके पर्यायवाची शब्द आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कपड़ा, इसके पर्यायवाची शब्द आप स्वयं लिखेंगे, कपड़ा,
गंगा, गौ, चांद या चंद्रमा, ठीक है, कृष्ण, इंद्र, और अधर। इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द आप लोग स्वयं लिखेंगे, ठीक है, आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। और इन सभी के अभी हमने पढ़े हैं, इनके पर्यायवाची शब्द आप स्वयं लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा विलोम शब्द, कि विलोम शब्द होते क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विलोम यानी क्या, विपरीत, समझ रहे हैं आप लोग, विलोम यानी विपरीत, ठीक है। तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द, जो कि शब्द का विपरीत अर्थ देते हों उनको हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि शब्दों के विलोम हैं, ठीक है। विलोम शब्द लिखते समय एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, कि क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव भी लिखें। ऐसा ना हो कि तत्सम शब्द का, जैसे हमने, हम एक सिंपल तत्सम और तद्भव आप लोग जानते हैं ना, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम, और जिनमें परिवर्तन होता है उनको बोलते हैं तद्भव, ठीक है। तो अगर हमें दिया गया है कि अग्नि का आप विलोम शब्द लिखें, तो अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि अग्नि का विलोम शब्द लिखें, तो आप अग्नि का विलोम शब्द जो है क्या, सॉरी हाँ, अग्नि रात्रि, रात्रि का अगर आपसे विलोम शब्द पूछा जाए कि रात्रि का जो है विलोम लिखे, ठीक है, तो रात्रि यानी रात, ठीक। तो रात्रि का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है दिन नहीं लिखेंगे, दिन सही नहीं होगा, हालांकि अर्थ जो है उसका सही है, ठीक है, लेकिन उपयुक्त तो नहीं है, ठीक, क्योंकि रात्रि हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, तो हमें सही जो उसका विलोम शब्द लिखना है वो क्या लिखना है, रात्रि का दिवस, ठीक, दिवस यानी दिन। अगर हम रात, अगर हमसे पूछा जाए कि रात का जो है विलोम शब्द लिखो, तो आप दिन लिखेंगे, क्योंकि रात जो है तद्भव शब्द है, ठीक है बच्चों, तो रात तद्भव शब्द है, तो फिर उसका जो है दिन हम विलोम शब्द लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि यदि जो है हमारे पास तत्सम शब्द है विलोम शब्द लिखने का, हम क्या करेंगे, उसका विलोम भी तत्सम ही लिखेंगे, और यदि तद्भव है तो उसका विलोम भी हम तद्भव ही लिखेंगे। जैसे जीवन, ठीक, तो जीवन का जो है क्या होगा विलोम शब्द, जीवन का मृत्यु होगा ना, और अंधेरा लिखा है तो अंधेरा का क्या होगा, उजाला, है ना। अगर अंधकार होता तो उज्ज्वल लिखते, अंधकार होता तो क्या लिखते, उज्ज्वल लिखते, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द। आप समझ गए हो कि विलोम शब्द क्या हो गए, समझ गए ना आप लोग कि विलोम शब्द किसे बोलते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया, ध्यान देखने वाली जो बात है वो क्या बताई विलोम शब्द में, कि आप अगर आपका शब्द जो है तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम लिखेंगे, और अगर तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द मैं लिख रही हूँ, आप उनको देख लीजिए कि मैं कैसे लिख रही हूँ और उनके क्या विलोम है। जैसे ज्ञान, ठीक है बच्चों, तो ज्ञान का विलोम क्या होगा, अज्ञान, ठीक है, ज्ञान का विलोम अज्ञान, ठीक है। चेतन, चेतन का, क्योंकि ये तत्सम शब्द है तो इसका विलोम भी तत्सम होगा, चेतन का अचेतन, ठीक है। सुर, सुर यानी देवता, विलोम
असुर। ठीक, शांति लोम क्या होगा? अशांति। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की कि जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, और जिनके विलोम शब्द लिखे जा रहे हैं वो भी क्या हैं? तत्सम लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए हो आप लोग? अब आगे मैं कुछ और शब्द लिख दूंगी आपके लिए, ठीक है, उनके आपको स्वयं ही विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे सुगंध, सुगम, सुकर्म, न्याय, और इन सब के विलोम आपको स्वयं लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, एक बार और आप लोग जो है मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और समझ लीजिए कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्याय यानी उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसे अर्थ वाला। ठीक है, तो वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, वे शब्द जो अर्थ में समान होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अग्नि का आग, पावक, अनल, ये सभी जो है, इन सभी का मतलब आग ही होता है। अग्नि का अर्थ भी आग, आग का मतलब आग, पावक, ठीक है, पानी का जल, पानी, नीर, तो इन सब का भी अर्थ जो है एक ही होता है। ठीक, तो ये हो गए पर्यायवाची शब्द। फिर हमने पढ़ा आज विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीत, ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द जो विपरीत अर्थ दें। ठीक है, इसमें हमने खास बात क्या पढ़ी कि यदि अगर हमारे पास शब्द जो है तत्सम है तो उसका विपरीत भी तत्सम होगा, यदि तद्भव है तो उसका विपरीत भी हमारे पास तद्भव होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या, ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, चेतन, अचेतन, सुर, असुर, शांति, अशांति, और ये बाकी के आप स्वयं लिखेंगे, इसके पर्यायवाची भी आप स्वयं लिखेंगे। आपकी पुस्तक में बहुत सारे जो हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द है बेटा, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी कॉपीज में लिख लेंगे। ठीक है ना, अपनी कॉपी में आपको जरूर वो लिखने हैं, और आप हाफ पोर्शन उसका लिखेंगे। ठीक है, सपोज आपके उसमें पुस्तक में जो है 50 पर्यायवाची शब्द हैं, यानी 50 पर्यायवाची शब्द है, तो आप 25 जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में, और ऐसे अगर 50 विलोम शब्द हैं तो आप कम से कम 25 विलोम शब्द अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।